हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा गाइस एमसीक्यू एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स देख रहे हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड मेन जो सोर्स है पीआईबी एंड आल्सो अदर सोर्सेज जो वेरियस आर्टिकल्स वगैरह आते हैं जो कोर सोर्स है जो मेन सोर्स है वो पीआईबी का है स्टैटिक uh, क्वेश्चन भी जो करंट अफेयर्स में से डिराइव होते हैं वो भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाते हैं ठीक है पार्ट ट्वेल्व देख रहे हैं ऑलरेडी ग्यारह पार्ट्स इसके हम कर चुके हैं तो वो सारे के सारे देखने अगर आप न ग्रेड ए का पेपर दे रहे हो इस साल का तो वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे ठीक है एक भी वीडियो छोड़ना नहीं है लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है बेटा एंड एम कोर्स चल रहा है उसके अंदर भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम कवर आपको देंगे नॉन वीडियो कोर्स है बहुत लो रेट्स के ऊपर आपको ये कोर्स अवेलेबल है अर्ली थर्टी अभी इसके ऊपर डिस्काउंट कोड भी चल रहा है आप जा करके परचेज कर सकते हैं और एक फ्री टेस्ट भी है इसके साथ एक सैम्पल टेस्ट भी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है ताकि एक आइडिया लग जाए कि यार पैसा खर्चना है या नहीं खर्चना है चार सौ उन्नीस रुपए में पड़ेगा आपको ठीक है जी चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से पूसा संपूर्ण विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज वॉट इज दिस संपूर्ण क्या है ऑप्शन ए राइस का चावल का वेराइटी है ऑप्शन बी कहता है कि एक पेस्टिसाइड है ऑप्शन सी कहता है कि बायो फर्टिलाइजर है डी में है बायो फोर्टिफाइड वीट या फिर ई e नी अबव तुक्केबाजी का कोई स्कोप नहीं और मैं बता दूं कि वीडियो को पॉज करके खुद से पहले आंसर देने की कोशिश करनी है उसके बाद फिर आंसर चेक करना है ठीक है तभी मजा आएगा कि आपका जो करंट आपने कवर किया है अभी तक उसमें कुछ दम है या नहीं है तो पूसा संपूर्ण किस चीज का वेराइटी है बेटा पूसा संपूर्ण है आपका एक बायो

सो द राइट आंसर फॉर दिस गाइज विल बी पूसा श्रेष्ठ जो है ये आपका मैंगो का वेराइटी है सो ए विल बी द राइट आंसर अब देखो क्वेश्चन बेसिकली कहां से निकल करके आया न्यूज अपने लिए कोई खास नहीं थी कॉन्वोकेशन कॉन्वोकेशन क्या होता है जिसमें वो डिग्री वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना तो इंस्टीट्यूट की कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी सिक्सटीथ न्यू डेली के अंदर वहां पर हमारे एग्रीकल्चर के मंत्री साहब भी गए थे जो तोमर साहब हैं ठीक है तो उस समय पर इन्होंने छ वेराइटी जो है वो इनग्रेट की थी उसमें दो वेरायटीज जो थी वो मैंगो की थी कौन सी कौन सी थी पूसा लालिमा और पूसा श्रेष्ठ ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पेप, पे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि पूसा लालिमा या पूसा श्रेष्ठ जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा ठीक है ब्रिंजल की एक वेराइटी थी जिसका नाम था पूसा वैभव उसके बाद पालक की एक वेरायटी थी जिसका नाम था पूसा विलायती पालक क्यूकम्बर की वेराइटी थी पूसा गाइनोशियस क्यूकम्बर हाइब्रिड एटीन एंड पूसा अल्पान् वेरायटी ऑफ रोज ठीक है क्वेश्चन जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई पूसा श्रेष्ठ क्या है वो पूछ सकता था पूसा लालिमा क्या है वो पूछ सकता था पूसा पूरा क्या है वो पूछ सकता था पूसा अल्पन्ना किसका वेराइटी है तो मल्टीपल क्वेश्चन आपके यहां पर फ्रेम हो सकते हैं ठीक है साथ ही साथ बायो फर्टिलाइजर जिसका नाम है पूसा संपूर्ण जिसको किसने डेवलप डिव, डिव, किया है माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन ने डेवलप किया है इसको भी यहां पर रिलीज किया गया था तो यहां से बेसिकली आपके मल्टीपल इस न्यूज में से मल्टीपल क्वेश्चन आपके जो है वो बन सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए एज पर द स्टडी कंडक्टेड बाय आई सी ए आर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आई सी ए आर का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है वो कहाँ पर लोकेटेड है ठीक है सेकेंड बेटा बेटा ये लखनऊ नहीं है ये गलत लिखा हुआ है यहां पर दे शुड बी लुधियाना ठीक है तो हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज मेजर सीरियल के किस रेंज के अंदर आते हैं एज पर दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो आपके लॉसेज हैं वो किस रेंज में आते हैं सीरियल क्रॉप्स के 4.65 पॉइंट सिक्स फाइव टू फाइव पॉइंट नाइन नाइन सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स टू एट पॉइंट फोर वन थ्री पॉइंट टू फोर टू नाइन पॉइंट नाइन सिक्स सिक्स पॉइंट सेवन जीरो 4.58 टू परसेंट ठीक है सो द राइट आंसर हेयर गाइज विल बी योर ऑप्शन ए 4.65 परसेंट से लेकर के 5.99 परसेंट तक इंडिया के अंदर मेजर सीरियल्स के लॉसेज होते हैं बिकॉज हमारे यहां पर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज को मैनेज करने के लिए सुटेबल अरेंजमेंट्स नहीं है ठीक है जी सो आई सी ए आर सी आई पी एच ई टी लुधियाना में बेसिकली क्वेश्चन के अंदर बेटा ये गलत मैंशनड है ये लखनऊ नहीं है लुधियाना है ठीक है मैंने आपको अभी पीछे भी बताया ना कि ये लखनऊ नहीं लुधियाना पंजाब के अंदर है इसको अच्छे से याद रखिएगा तो आई सी ए आर सी आई पी एच ई टी लुधियाना के हिसाब से जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं मेजर सीरियल्स के फोर पॉइंट सिक्स फाइव से फाइव पॉइंट नाइन नाइन परसेंट तक पल्सिस के सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स से एट पॉइंट फोर वन परसेंट सीड्स के थ्री पॉइंट टू फोर परसेंट से नाइन पॉइंट नाइन सिक्स परसेंट फ्रूट्स के 6.70 से 15.88 परसेंट वेजिटेबल्स के 4.58 से 12.44 परसेंट फिश मीट मिल्क के फ़िश का 10.52 परसेंट का लॉसेस मिल्क के 2.71 परसेंट और मिल्क का 0.92 परसेंट ये याद रखना बेटा जैसे मैंने आपसे मेजर सीरियल्स का पूछ लिया वो वैसे ही पल्सेस का भी पूछ सकता है वो ऑयल सीड्स का भी पूछ सकता है वो फ्रूट्स का भी पूछ सकता है वेजिटेबल फिश मीट मिल्क तो कितने क्वेश्चन देखो बन सकते हैं प्रॉबेबल एक दो तीन चार पांच छ सात सात क्वेश्चन इस तरीके से आपके बन सकते हैं तो उसको ध्यान में रखना है प्लस जो नबार्ड के बच्चे हैं नबार्ड वाले बच्चों को एक बात बता दूं कि उनको मेंस uh, के अंदर आंसर भी लिखने हैं तो आंसर राइटिंग के अंदर भी इस तरह के डाटा को आप यूज कर सकते हो काफी कीमती डाटा है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी सबमिशन मिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री हर मेड पर पेड स्कीम वॉज लॉन्च इन सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री हर मेड पर पेड स्कीम को कब लॉन्च किया गया ऑप्शन ए पंद्रह सोलह बी सोलह सत्रह सी सत्रह अठारह डी अठारह उन्नीस एंड डी ई उन्नीस बीस फैक्चुअल क्वेश्चन है तुक्केबाजी का स्कोप नहीं है एंड द राइट आंसर डाइज ओवर हेयर इज ऑप्शन बी टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवनटीन के अंदर सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था ओके सो सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवनटीन इसका मेन एम क्या था कि कैसे ट्री प्लांटेशन को इनक्रेज किया जा सके जो फार्म लैंड्स हैं बेसिकली फार्म लैंड्स के बॉर्डर्स जो हैं या क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर ट्री प्लांटेशन को भी इनक्रेज किया जाए इससे क्या होगा फार्मर्स को एडिशनल इनकम भी मिलेगी और एनवायरमेंटली सूट एनवायरमेंट के लिए भी ये सूटेबल एक अप्रोच रहेगी ओके अभी ये स्कीम अगर आप देखो तो ट्वेंटी स्टेट्स और यूटीज के अंदर इंक्लूडिंग महाराष्ट्र इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इस स्कीम के अंदर बेसिकली होता क्या है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू असिस्टेंस दी जाती है फार्मर को अगर वो नर्सरी डेवलपमेंट करते हैं या फिर जैसे उनका ये फील्ड है फील्ड के बॉर्डर के ऊपर ट्रीज प्लांट कर लिए ठीक है ब्लॉक प्लांटेशन फील्ड के अंदर एक छोटे से ब्लॉक के अंदर ट्री प्लांटेशन कर लिया ठीक है फ्रूट बियरिंग ट्रीज़ को ओके ऑयल सीड्स बियरिंग ट्रीज़ को मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स आप ग्रो कर सकते हो सिल्क एंड लैक रेयरिंग होस्ट प्लांट्स को आप यहाँ पर रेस कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए लाइफ स्टॉक इम्पोर्टेशन एक्ट डैश एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू मेक बेटर प्रोविजन फॉर रेगुलेशन ऑफ द इंपोर्टेशन ऑफ लाइफ स्टॉक विच इज़ लाइबल टू बी एफेक्टेड बाई इन्फेक्शियस और कॉन्टिजियस डिसऑर्डर तो बेसिकली जो बाहर से देश के अंदर लाइफ स्टॉक लाया जाता है अब उनको किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन हो सकता है या कोई बीमारी हो सकती है जो इंडिया के लाइफ स्टॉक के लिए सुटेबल ना हो तो अल्टीमेटली एक एक्ट बना हुआ है Livestock Importation एक्ट जो गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो इस तरीके से इस चीज को रेगुलेट कर सके तो ये एक्ट कौन से साल में आया बेसिकली आपसे ये पूछा गया है तो एक्स की जगह पे आपको बताना है क्या आएगा ऑप्शन इंपोर्टेशन एक्ट है आपका दिस इज एटीन का एक्ट ओके okay? अंग्रेजों के टाइम का ये बेसिकली एक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन स्टेट विच प्रोड्यूस मैक्सिमम ऑर्गेनिक कॉटन सबसे यहाँ पर अब देखो ऑर्गेनिक वर्ड आ गया यहाँ पर ये नहीं है कि सबसे ज़्यादा कॉटन कौन प्रोड्यूस करता है यहाँ पर ये सवाल है कि मैक्सिमम ऑर्गेनिक कॉटन कौन प्रोड्यूस करता है ठीक है अच्छा बेटा वो जो आपका एग्रीकल्चर करंट डाटा का अलग से सीरीज चल रहा है एक ठीक है जिसके अंदर अभी तक हम अराउंड छः सात लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं वो इस टाइप के डेटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा अभी तो उसको जरूर देख लेना जितने लेक्चर्स हैं वो उसमें से आपके क्वेश्चंस आने ही आने हैं बहुत सारे ओके सो मैक्सिमम ऑर्गेनिक कॉटन ए मध्य प्रदेश बी महाराष्ट्र सी ओडिशा डी राजस्थान एंड ई नन ऑफ दब व्हाट विल बी द राइट आंसर गाइस तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कॉटन जो है वो मध्य प्रदेश में प्रोड्यूस होता, uh, होता है बेटा ये लिस्ट है इस रैंकिंग में बेसिकली ऑर्गेनिक कॉटन प्रोड्यूस होता है नंबर एक पे है मध्य प्रदेश नंबर दो पर है महाराष्ट्र तीन पर गुजरात चार पर उड़ीसा पर इतना कोई पूछने वाला है नहीं टॉपर के बारे में ही पूछते हैं और टॉपर आपका एमपी है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं फटाफट से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपेडा इसको किस साल में फाउंडेशन इसकी हुई थी 86 1998 2006 2016 नन ऑफ दी अब एक बहुत ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन है एपेडा अक्सर न्यूज में रहता है ठीक है सो द राइट आंसर ओवर हेयर गाइज इज ऑप्शन ए नाइनटीन एट्टी सिक्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की फाउंडेशन जो है नाइनटीन एटी सिक्स के अंदर हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया मैक्सिमम शेलूट्स किसको एक्सपोर्ट करता है जिसको आप छोटा प्याज बोलते हो सबसे ज्यादा शेलूट हम किसको एक्सपोर्ट करते हैं श्रीलंका मलेशिया थाईलैंड यूएई या नन ऑफ दी अबव अगेन या तो पढ़ा है तो आंसर कर सकते हो नहीं पढ़ा है तो फिर तो कोई आंसर करने का इसका फायदा ही नहीं है राइट आंसर ओवर इज ऑप्शन ए श्रीलंका इंडिया सबसे ज्यादा जो है वो श्रीलंका को एक्सपोर्ट करता है नेक्स्ट आजो जी इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ शेलूट सी अब बूम ठीक है ये न्यूज में इसी वजह से था तो सरकार कह रही है कि 2013 से लेकर के अब तक अगर हम जो शेलूट है या छोटे प्याज का एक्सपोर्ट है उसको देखें तो 2013 से लेकर के अब तक 487 परसेंट का इंक्रीज़ आया है ठीक है 2013 में अराउंड दो मिलियन यूएस डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते थे और वहीं आप अगर अप्रैल से दिसंबर 2021 का पीरियड देखोगे तो उसमें हमने 11.6 मिलियन यूएसडी का एक्सपोर्ट किया है जो मेजर हमारी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है श्रीलंका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं थर्टी उसके बाद मलेशिया दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर थाईलैंड चौथे नंबर पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई एंड पांचवें नंबर पर सिंगापुर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी मिलता जुलता सा क्वेश्चन है लेकिन इस बार हम आ, शेलूट्स की जगह क्या पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हम पाइनएप्पल किसको एक्सपोर्ट करते हैं ऑप्शन ए यू बी नेपाल सी कतर डी मालदीव्स या ई नन ऑफ दी अबव बेटा सोच समझ के आंसर करने हैं बिल्कुल आराम से बिल्कुल ध्यान से आंसर करने हैं ठीक है क्योंकि जल्दबाजी में अगर इन क्वेश्चन के आंसर किए ना तुक्के लगा करके अगर इन क्वेश्चन के आंसर किए तो हंड्रेड गलत होने वाले हैं हंड्रेड एंड टेन परसेंट तो वो ना करो वो मत करना बिल्कुल भी मत करना वो कर दोगे तो फिर काम खराब हो जाएगा तो यहां पर आपका राइट आंसर जो है वो बेटा है यू सबसे ज्यादा पाइनएप्पल हम यू को एक्सपोर्ट करते हैं ओके तो अगेन न्यूज वही था कि 2013 से लेकर के अब तक अगर आप देखोगे अराउंड 100 परसेंट का इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है दो हज़ार में अराउंड हम 1.63 मिलियन यूएसडी एस का पाइनएप्पल एक्सपोर्ट करते थे विच रोज टू 3.26 मिलियन दिसंबर 2021 तक मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में सबसे ज्यादा यू है फॉलोड बाय नेपाल कतर मालदीव एंड यूएसए ऑल राइट दिस वॉज द टेंथ एंड द लास्ट क्वेश्चन गाइस आई होप ये क्वेश्चन uh, करके आपको मजा आया होगा इसी तरीके से एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के आपको और भी क्वेश्चन मिलते जाएंगे एंड जो एम सी क्यू कोर्स है नॉन वीडियो एम सी क्यू कोर्स है बहुत ही लो रेट कोर्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर देख लेना सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को और प्लीज़ गाइज वीडियो को जरूर शेयर करना अगर आपको लगता है कि हाँ ये टीचर कुछ अच्छा कंटेंट दे रहा है तो शेयर करना बहुत ज़रूरी है नहीं तो कुछ दिनों बाद क्या आपका टीचर हट जाए ये होता है अक्सर ऑनलाइन एजुकेशन में अभी यही चल रहा है है ना तो उसमें आपको सपोर्ट जरूर करना है कोई दिक्कत आती है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप कर सकते हो मेल कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना वहाँ पर पी भी मिल जाएगा एंड साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट रेज कर सकते हैं चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइस